हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हेमंसिका। और आज मायके में है थर्ड डे और हो गया, और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी चेकअप के लिए, और देखती हूँ आज क्या होता है, दिन में क्या क्या प्लानिंग है। तो अभी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल और नायरा को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी आ जाऊँगी तो नायरा को उसकी मासी उसका ख्याल रखेगी। तो अभी मैं जाती हूँ। गई हूँ मैं हॉस्पिटल, पहुँच गई हूँ। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, भैया भी है मेरे साथ, डॉक्टर अभी तक आए ही नहीं हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक से डॉक्टर आई नहीं है, और भीड़ भी थी वहाँ पे। तो अभी चेकअप हो गया मेरा और अब मैं जाती हूँ घर, और फिर घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सोनाली का वीडियो बनाने के लिए छत पर। लोगों को दिखाऊंगी अपना छत, जो मेरे मायके का छत है वो, और व्यू भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा व्यूज़ आता है मेरे छत से, क्योंकि जस्ट नदी और नदी के उस पर बहुत ही प्यारा माउंटेन है, तो वो सब कुछ देखने को मिलेगा। नदी के ऊपर नहीं, नदी है थोड़ा दूर पे, डिस्टेंस पे है। तो अभी हम लोग जा रही हूँ छत पे मैं सोनाली का वीडियो रिकॉर्ड करने। शूट हो गया है, और कब डालोगे अपने चैनल पे? कल या कल। तो कल या कल, और मैं दिखाती हूँ मेरे छत पे क्या क्या है। लो सोनाली फोन पकड़ो। मैं छत पे और मैं और मेरी दीदी है। चलो लो, रेडी स्टार्ट करो। स्टैंड अपना मुझे क्यों ऐसा कर दिया यार, मेरे को दिखाओ ना। सो हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको अपने छत का सबसे प्यारा जो सीन है वो दिखाऊंगी। तो ये है वो सीन, फोकस ऑन दैट सीन। ये कितना प्यारा सा है छत हमारा, इस पर हम लोग को ये माउंटेन भी दिखता है, और आज का तो मौसम भी बहुत ही प्यारा है। तो अपनी बादल भी दिखाऊंगा, देखिए बट चिड़िया भी उड़ के जा रही है साथ में। तो बहुत ही प्यारा व्यू है हमारे छत से, और ये जो माउंटेन दिखता है वो तो और भी सुंदर सा है, आप लोग को दिख रहा होगा कैमरा में। आज मेरी बहन मुझे फोकस कर ही नहीं रही है। तो वो है माउंटेन, और अभी छत से मतलब चारों और सबके घर दिखते हैं यहाँ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो माउंटेन है वो जो दिखता है वो बहुत ही ऑसम व्यू है। और जब ऐसा सुहाना मौसम होता है तब तो और भी बढ़िया होता है। तो सोनाली ने बहुत ही सही दिन चुना है अपने वीडियो के लिए, तो मैं भी अपना व्लॉगिंग शूट कर ले रही हूँ साथ में। तो ये है मेरे छत का टॉप व्यू। और एक चीज़ दिखाऊंगी कि मेरे छत पे मेरी मम्मा ने शायद उगाया है पुदीना। अभी ये गाना बहुत चला हुआ था तो पुदीना, तो आइए फोकस ऑन पुदीना। तो आज मैं ये पुदीने की चटनी भी बनाऊंगी। तो ये बहुत ही प्यारा प्यारा पुदीना है, छोटा छोटा, आप लोग देख रहे होंगे। यस, तो ये सारे को मैं तोड़ के आज पुदीना का चटनी बनाने वाली हूँ। और फिर यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे, मेरे को दिखा, बहुत सारे पेड़ उगाए हैं, फ्लावर्स के, इसमें भी फ्लावर्स खिलता है, ये सब पे फ्लावर्स खिलता है। और एक तो फ्लावर है यहाँ पे, ये नीलकंठ बोलते हैं इसे, ये देखो ये नीलकंठ है, बहुत ही प्यारा है। ये जो शिवजी पे चढ़ता है ये वाला नीलकंठ है, और ये एलोवेरा,
एलोवेरा तो बहुत ही यूज़फुल है। अभी मैं बहुत दिनों से अपना ब्यूटी वाला नहीं बना रही हूँ, ब्यूटी हैक वाला, अगर उस पर बताऊँगी तो एलोवेरा का यूज़ भी आप लोगों को बताऊँगी कि एलोवेरा के कितने सारे यूज़ हैं। तो अभी बस इतना ही, शायद का मैं इतना ही टूर करती हूँ, बाद में कभी डिटेल में टूर करवाऊँगी, अभी इतना ही। तोड़ने वाले हैं पुदीना की चटनी, पुदीना की चटनी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही प्यारा पुदीना हुआ है यहाँ पर। तो आज फिर हम लोग वीडियो बनाने आए थे, तो मेरी बहना पुदीना तोड़ रही है और हमें आज पुदीना की चटनी खिलाएगी। खिलाओगी ना? खिला दो यार, वाह कितना मस्त स्मेल आ रहा है बहन, ये पुदीना का, वाह ऑसम है यार। ये नेचुरल कोई भी चीज़ उगाओ तो कितना अच्छा लगता है ना मार्केट के कंपैरिजन में। पुदीना